सकते हैं, सो जा मुन्ना मेरा सो जा, तो आप ऐसे सुला भी सकते हैं आपको। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरुष लाइफ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हिलने वाली चेयर होती है और चेयर होती है, बच्चे बैठ के झूलते हैं, वो कैसे बनाई जाती है। तो बॉक्स कंटेंट यहाँ पर रखे हुए हैं जो आपके सामने है। देखिए स्टिक्स हैं, ये नट है, ये बच्चा बैठता है वो चीज़ है, वो बच्चे की पीठ लगती है वो चीज़ है, ये साइड्स हैं। तो मैं एक एक करके आपको बनाना दिखाता हूँ कि कैसे बनाई जाती है। तो क्या कि सबसे पहले मैं इसे ऐसे रख लेता हूँ और मैं एक साइड पहले जोड़ता हूँ, मैं दूसरी साइड आपको बाद में जोड़ता हूँ। देखिए बाहर की साइड है, ये अंदर की है, क्योंकि आप देख सकते हैं। तो ये बैठने वाली चीज़ है वो यहाँ लगेगी हमारी। तो मैं इसे कस देता हूँ एक एक करके। सो ऐसे आप यहाँ पे नट कर सकते हैं, इसमें जो नट्स दिए हुए हैं नट कस दीजिएगा धीमे धीमे करके। सो और ये दूसरी साइड है, तो आप दूसरी साइड के भी नट कस दीजिएगा। मैं कस देता हूँ धीमे धीमे करके, फिर आपको दिखाता हूँ। सो ये दूसरी साइड का मैंने इसमें ऐसे लगाया, अब मैं इसके नट्स ऐसे लगा देता हूँ। सो एक नट मैंने लगा दिया और दूसरा नट भी मैं लगा देता हूँ। आप बिल्कुल पूरे टाइट अच्छी तरह करिएगा, क्योंकि जो बच्चा बैठेगा तो अगर वो हिलता भी है तो अगर आप कम टाइट करेंगे तो हो सकता है कि ये टूट जाए और बच्चे को चोट लग जाए। तो आप पूरा सुनिश्चित करिएगा कि आप जो नट कसे इसमें पूरे अच्छी तरह कसिएगा। अभी क्या कि पूरे ज़्यादा अच्छी तरह मत कसिएगा जब तक पीछे का पार्ट नहीं लग जाता है। सो अब मैंने पीछे का पार्ट लगा दिया। आप क्या आप सारे जो पेज हैं वो अच्छी तरह से कस दीजिएगा। तो मैं धीमे धीमे करके जो इसके सारे पेज हैं वो कस देता हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो साथ साथ मैं जानकारी और दे देता हूँ, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी वीडियो लाऊंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर आपको हिलने वाली चेयर हॉर्स चेयर अगर ऑनलाइन मंगानी है, अगर आपको मंगानी है तो मैं क्या इसकी जो बाय लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। सो देखिए बेसिकली अब चेयर पूरी बनी गई है। अब क्या इसमें कुछ चीज़ें रह गई वो मैं धीमे धीमे लगा देता हूँ। अब क्या कि यहाँ पे जो ये नीचे वाली स्टिक है पैर के पास वो स्टिक लगाई जा रही है, जिससे कि ये चेयर है ना मतलब लंबी नहीं हो जाए और बच्चे को कंफर्ट रहे बैठने के लिए, बच्चा यहाँ पे पैर रख सकता है। सो एक स्टिक तो हमारी यहाँ लगेगी और एक स्टिक यहाँ पे लगती है कि जब बच्चा छोटा होता है तो गिर नहीं जाए, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो आप इस स्टिक को निकाल सकते हैं। सो जल्दी से मैं ये भी लगा देता हूँ। तो ये स्टिक भी लगी हमारी बची है एक स्टिक, जो दूसरी स्टिक बची हुई है वो हमारी बैक साइड में लगेगी कुछ इस तरीके से। सो अब हमारी जो हमारी चेयर है ना पूरी कंप्लीट होने ही वाली है और ये पूरी हमारी चेयर कंप्लीट हो गई है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और देखिए आप इसमें के बच्चे को कैसे जला सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ऐसे कुर्सी रखिए, बच्चे को यहाँ पे ऐसे आप रख सकते हैं, सो जा मुन्ना मेरा सो जा, तो आप ऐसे सुला भी सकते हैं अगर आपका बच्चा सोता नहीं चेयर पे, और ऐसे आप रख सकते हैं। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए।